शिकागो में शूटिंग के वाकयात आम बात है और हर अरसे में ऐसे वाकयात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस माह के अवाइल में हुए ऐसे एक वाकये में एक हैदराबादी नौजवान सैयद सिराज इस तशद्दुद का निशाना बना, लेकिन वो महफूज रहा। बताया जाता है कि चंचोकड़े के रहने वाला सिराज शिकागो में यूबर का ड्राइवर है और 4 दिसंबर की रात जब अपना काम खत्म करके घर वापस हो रहा था तो कार में सवार नामालूम अशरा ने उसकी कार पर गोलियों की बोछार कर दी जिससे उसकी कार के शीशे टूट गए, ताहम वो बच गया। सिराज ने MPT के तर्जुमान अब्दुल्लाह खालिद को इस वाकये से वाकिफ करवाया और शिकागो में वाकई हिंदुस्तानी कौंसलेट से इस मामले में मदद करने की ख्वाहिश की। यहाँ ये बताते चले कि शिकागो पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं सिराज मेहदी सैयद शिकागो इलिनॉय से और मैं इंडिया में चंचलगुड़ा हैदराबाद से हूँ और आप लोग से एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो 4 दिसंबर को मेरे साथ हुआ। मैं यहाँ पे ऊबर ड्राइवर हूँ, ऊबर लिफ्ट दो भी चलाता हूँ। मैं काम से आ रहा था लाइक सुबह 4 बजे। एल्स्टन और किम्बरली ये शिकागो का नॉर्थ साइड है, घर से लाइक डीवान से 2.5-3 माइल दूर है। तो वहाँ पे एक हादसा पेश आया मेरे साथ। दो जो है मैं ड्राइव कर रहा था, दो गाड़ी मेरे सामने थी कार, तो वो लोग मेरे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे शायद, मैं रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन जैसा मैं स्टॉप साइन पे रुका जाके, एक मेरे राइट साइड से और एक मेरे लेफ्ट साइड से गाड़ी आई, दोनों भी मेरे को बीच में दबाना चाह रहे थे या सामने आके कुछ पुल करके मेरे को रॉब करना चाह रहे थे, बट रियलाइज़ नहीं किया मैं। जब मैं स्टॉप साइन से राइट ले रहा था, वो लोग समझे कि मैं सीन से भाग रहा हूँ, तो दे स्टार्ट शूटिंग ऑन मी, लाइक मेरे ऊपर शूट करना शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी गोलियाँ पीछे लगी, मतलब पैसेंजर साइड पीछे की तरफ, और लेफ़्ट साइड से गोली लग के मतलब राइट साइड में निकल गई। 4-5 गोलियाँ एक साथ आए, तो विद इन सेकेंड्स हो गया ये। और मैं खालिद खान अमजदुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे हक़ में कुछ बेहतर है तो इंडियन कौंसलेट में और यहाँ पे शिकागो में अमेरिकन कौंसलेट पे कुछ मेरे लिए कुछ बेहतर हो सकता, तो इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।